देखो अब इंडिया में बैठ के ठंडी हवा खाने का अपना अलग ही मजा है। अरे वो देखो वहाँ क्या है, उसके ऊपर जिन बना है, कहीं उसमें जिन तो नहीं। मैं चला उसे लाने के लिए। तो कूद क्यों रहे हो? अब तो तुम्हें केतली मिल चुकी है, फिर क्यों रो रहे हो? पीछे देखो। अरे काजा रे, निकालो इन ग्लास को, ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे निकालो। अरे क्या लिखा इस पर रे? मोटू इस केतली में लिखा है कि रगड़ना मन्ना है। फंस गई मछली जा। अब आएगा मजा, मैं दूंगा उनको साया। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता कुछ और देखो, मोटू पतलू कैसे जाल में फंसते हैं। बहुत टाइट होता है, आप हम भी देते हैं। चलो इसे लेके कोई साइड में चलते हैं। चलो चलो, इस केतली पे ऐसा क्यों लिखा है? क्या हमें इसे रगड़ के देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रगड़ के देखना चाहिए, शायद जिन निकल आए। इसके अंदर देखते हैं क्या है। अरे जिन भैया बाहर निकलो, कहाँ हो? मुझे रगड़ने दो। हाँ बताओ। अरे हमको जिन का लम घिसने का साल का तजुर्बा। मुझे तो इधर लाओ। अरे निकलेगा कैसे, पहले ही निकल चुका है। हेलो। अरे ये तो रोबोटिक जिन है यार। मैं पुराने जमाने वाला फैंटेसी वर्ल्ड का जिन नहीं, आज के जमाने का रोबोटिक जिन हूँ। आजकल तो इंसान रोबोट की मदद से कितने ही काम कर लेता है। मेरे मालिक ने मुझे केतली के बाहर निकाल दिया और मेरा ये घर मेरी केतली पानी में फेंक दी ताकि मैं आराम ना कर सकूं, बस काम ही काम करता रहूं। लेकिन तुम्हारा मालिक है कौन? मेरे मालिक वो वहाँ पानी में जो मोटर बोट है उसमें रहता है। वो कभी खुश नहीं होता है, उसे एक दिन के लिए खुश कर लो। तो मैं आपकी सेवा करूँगा क्योंकि आपने मेरी केतली ढूंढ के मुझे दी है। बुढ़ी बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम खुरखुरी नगर के सब लोगों की तकलीफ को दूर कर देंगे। आप लोग जो बोलेंगे मैं सब आपके लिए करूँगा, लेकिन आप लोगों को कुछ भी करके उसे एक दिन के लिए खुश करना होगा। हाँ, चलो अब तुम्हारे मालिक से जाके मिलते हैं। चलो आओ मेरे पीछे। चलो जल्दी चलो। चलो अब के जब चेंज करने का टाइम हो चुका है। अरे मालिक किधर है? जीनी, तुमने सारे काम खत्म किए कि नहीं? और बोले तुम किसको लेके आती? सर ये मोटू है और मैं पतलू, और ये हमारे दोस्त है। हम लोग समाज सेवक है, हम एक एनजीओ के लिए काम करते हैं और हमारा मकसद है समाज में खुशियाँ बिखेरना। बोले वो कैसे? एक दिन में किसी एक मालिक को खुश करके। मालिक? अरे सर इसका मतलब है कि हम एक दिन में एक इंसान को खुश करके दूसरे दिन किसी और को खुश करने के लिए जाते हैं, तो आज हम लोग आपको खुश करना चाहते हैं। बोलो तुम हमको खुश करना चाहती है? तुम हमको क्या खुश करेगा है जिन? जी मालिक, मेरे पास ये जिन होती, ये मुझे सब कुछ ला कर देती तो तुम्हारी क्या जरूरत होती है जिन? इनको उठाती और पानी में फेंक देती। अब मालिक, इन्होंने मेरा केटल समंदर में से ढूंढा है, ये अच्छे लोग हैं, तो मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम जिन लोगों के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। मालिक
ये लोग बोल रहे हैं कि आपको खुश करेंगे तो कर लीजिए ना, मुझे भी एक दिन का आराम मिल जाएगा। ऐसा क्या, चलो कोई बात नहीं होती। ओके, अगर तुम लोग खुश करना ही चाहते हो तो खुश कर दो, मुझे भी अच्छे लोग अच्छे लगती है। ओके, मोटू तुम मेरे पैर दबाती, पतलू तुम मेरे कंधों की मसाज करती, ए, और ये दोनों बावर्ची कौन होती? अरे मेरा नाम घोसीराम है और हम कोई बावर्ची नहीं है। यार मेरा नाम है डॉक्टर झटका। झटका तुम्हारे आधा पेट तो हवा में लटका होती। जाओ तुम दोनों खाना बनाती। ओए खाना बनाती, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए, और तुम लंबी मूंछ वाला, तुम मेरा बॉडी गार्ड बनती। इस मोटर बोट में परिंदा भी पर नहीं मारना चाहती, समझती? ओ परिंदा, तू किधर भी है, इस तरफ मत आना। दा 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 दा, परिंदा तुम लोगों को मसाज करना भी नहीं आती, हमें खुश कैसे करती? आबू साबू इनको मसाज करना सिखाती बाबू। तो फिर आओ शुरू हो जा। ये लो जी खाना। गाना बनाना नहीं आती, अब साबू इनको बताती गाना कैसे बनाती। आप ये क्या करेंगे पतलू? जाओ अंदर, खुद समझ जाओगे। ठीक है, देखो अब मोटू पतलू कैसे मसाज करते। चिंगम बॉडीगार्ड बल्ला, तुमको बोला था यह परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, ये परिंदा कैसे आ गया? लंबी मूंछ वाले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गिराती? अबू साबू इसे गार्ड करना सिखाती। मुझे नहीं सीखना है, नहीं सीखना, नहीं सीखना, ना 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 ना। अरे सीख गया, गार्ड की नौकरी कैसे करते हैं सीख गया। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। नहीं जाऊंगा। आप तो आप खुश हो गए ना? खुश? मैं तो गुस्से में होती, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आती। बहुत हो गया, आओ तुम्हें थोड़ा खुश कर देता हूँ। खुश हो? वल्ला मेरे जिन, इन्होंने मुझे पीटा, तुम इनको धू डालती। मैंने तुम्हें मेरे मालिक की देखभाल करने बुलाया था और तुमने मेरे मालिक को ही मारा, नहीं छोड़ूंगा। पतलू मेरी यार, होश में आओ पतलू। मेरे दोस्त को मारा।
है मेरे यार, ये तो नकली रोबोटिक जिन है। नहीं छोड़ा। लगता है अपना भांडा फूट गया है। ये चिन नकली था, मतलब तुम्हारा होलिया भी असली नहीं है। एक मिनट देखो, अब हम तुमको दिखाते हैं कि एक दिन में कैसे खुश किया जाता है। करता हूँ तुम्हें काबू। सॉरी मत बचो, हमें ऊपर ले लो। अरे ये कहाँ से आ गया? क्यों जान, कैसा लगा हमारा मजा? अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।